हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज टेक्निकल नॉलेज। बेटा दिस वो अपनील। मेरे वीडियोस तो आपने पावर ऑटोमेट के बहुत सारे देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई नया आइटम क्रिएट करते हैं तो एक ईमेल जाता था कि द न्यू लाइन आइटम हैज बीन क्रिएटेड। कैसे मेल जाता था वो मैं अभी बताता हूँ, तो चलो ठीक है। बट उसका मेन ये वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको एक हम एक ऐसा ग्रुप ईमेल क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू हम मेल सेंड करेंगे किसी पर्टिकुलर यूज़र को। बिकॉज अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो राइट, और किसी शेयर पॉइंट में आपने उसको ऑटोमेट कर दिया, तो जब भी मेल आएंगे कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि द न्यू लाइन आइटम हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर शेयर पॉइंट लिस्ट, तो उसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे अगर मैं फ्लो मैंने क्रिएट किया है तो मेरा ही नाम हर बार आएगा मेल बॉक्स में, तो लोग भी सोचेंगे कि इसका नाम क्यों आ रहा है, एक ग्रुप का आना चाहिए राइट। तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहती है, तो आई थिंक आपके ऊपर ऊपर से गया होगा। तो डोंट वरी, मैं पूरा प्रॉपरली बताता हूँ। तो एक प्रोसीजर सेट करें, तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में शेयर्ड मेल बॉक्स का बारे में देखने वाले हैं। शेयर्ड मेल बॉक्स और ग्रुप मेल बॉक्स का भी मैं डिफरेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं एक फ्लो बता देता हूँ, तो अगर किसी ने मेरे प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उनको प्रॉपरली एक बार समझ में आएगा। तो मैं एक नया फ्लो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कर देते हैं शेयर पॉइंट। कैसे है कि अगर वर्बली बहुत सारा कुछ बता दिया ना तो कोई किसी को समझ में भी नहीं आता है राइट। तो बेटर है कि प्रॉपरली बेसिक से बताओ, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लो क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी इसमें क्या होगा, व्हेन एन आइटम इज़ क्रिएटेड और मॉडिफाइड, ये वाला हम ट्रिगर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, कुछ मॉडिफिकेशन भी होगा तब भी हम मेल सेंड कर सकते हैं। तो इसमें एड्रेस डालना पड़ेगा। तो अभी मेरा जो साइट है वो है टेस्टी के भी, तो ये है मेरा टेस्टी के भी साइट। अब इसमें अपने को लिस्ट नेम देना पड़ेगा, तो मैं जो अप्लाई करने जा रहा हूँ वे टेस्ट लिस्ट 2 है इसको, तो इसका नाम मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया। एडवांस में अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट अब यहाँ पे मैं क्या करता था, अगर मेरे ओल्ड जिसने वीडियोज़ देखे उनको पता होगा, और मैं उसके आई बटन में लिंक डाल दूंगा, तो मैं यहाँ पे सेंड ईमेल करके डाल देता था, सेंड ईमेल वर्जन 2। और यहाँ पे किसको सेंड करना है, चलो मेरे को ही सेंड कर देता हूँ मैं। swapnil.k सब्जेक्ट डाल देता हूँ न्यू आइटम इज क्रिएटेड, ये जस्ट फॉर सैम्पल पर्पज, सो माइंड मत करना, बाकी हम लिख देंगे प्रॉपरली कर देंगे सेट। न्यू आइटम हैज बीन क्रिएटेड एंड आईडी भी डाल देते हैं ना उसका, तो यहाँ करेगा आईडी सर्च कर देंगे, तो और ये भी डाल देते, चलो बाद में क्यों, क्रिएटेड बाय, और इसका नाम डाल देंगे क्रिएटेड बाय डिस्प्ले नेम, तो जिसने भी क्रिएट किया उसका नाम आ जाएगा राइट। तो ये अपना एक सिंपल से सिंपल वाला एक फ्लो है। अब इसमें क्या होगा वो भी दिखाऊंगा मैं। अब ये तो फ्लो हो गया, ओके चलो इसको सेव भी नहीं किया, सेव किया बट नाम नहीं दिया प्रॉपरली। ओके, टेस्ट टू ईमेल फंक्शनैलिटी, ठीक है चलो छोड़ दो ना, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे मेरा मेल बॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जब तक ये लोड होता है तब तक। अभी इसमें क्या हो गया, मैंने व्हेन एन आइटम इज क्रिएटेड और मॉडिफाइड, तो ना क्रिएट होगा और मॉडिफाइड होगा तो अपने को मेल आएगा। तो चलो देखते हैं, टेस्ट टू बाय स्वप्निल ऐसे डाल देते हैं। स्टार्ट डेट ये मैंडेटरी नहीं है फील्ड्स, फिर भी हम ऐड कर देंगे 25, चलो इतना ही कर लेंगे। तो एक मैंने नई आइटम क्रिएट की है टेस्ट टू बाय स्वप्निल, और ये अभी फ्लो उसमें रन होगा। तो अगर आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह देखनी है तो यहाँ से तो आप देख ही सकते हो। और अभी तक मुझे मेल तो आया नहीं है वैसे, तो इसको रिफ्रेश करते रहो, तो आप एक या दो मिनट तो लेगा ही वो ऑब्वियसली। तो यहाँ से इसको भी रिफ्रेश करते जाएंगे, जब तक ये फ्लो रन होता है तब तक मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्ड बॉक्स एंड शेयर्ड मेल बॉक्स एंड ग्रुप मेल बॉक्स। तो जैसे अगर आपका आप
क्या बोलते हैं, आप ईमेल वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो आपको अगर कुछ ग्रुप क्रिएट करना है, ग्रुप बेसिकली क्या होगा कि आप किसी एक एक्स वाई जेड पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको ग्रुप के थ्रू कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पे न्यू ग्रुप आप क्लिक करो और यहाँ पे आपको नाम वगैरह देना पड़ेगा। तो ओके, सो न्यू ग्रुप आ गया। यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा और यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को वहाँ से आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऐड कर सकते हो। बट जो ग्रुप ईमेल है, अच्छा ठीक है, जैसे ये टेक्निकल नॉलेज बीटा समथिंग ये मैंने क्रिएट कर दिया है, ये मैं सेंड किसी को कर सकता हूँ और मेरे इसमें अगर मैंने किसी को एक्सेस दे दिया 2-3 लोगों को, तो वो पर्टिकुलर 2-3 लोग वो एक्सेस तो कर सकते हैं और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन तो जा सकता है, राइट। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ग्रुप ईमेल वगैरह का सीन, बट इसका यूज़ हम पावर ऑटोमेट में नहीं कर सकते बिकॉज ये ईमेल ग्रुप है, बेसिकली ईमेल ग्रुप है। अपने को चाहिए शेयर्ड ईमेल। ईमेल ग्रुप और शेयर्ड ईमेल में यही फ़र्क है कि ईमेल ग्रुप का आप कम्युनिकेशन वगैरह सेंड कर सकते हो, सेंड ये वो कर सकते हो, बट आप वो पावर ऑटोमेट और पावर ऐप से अटैच नहीं कर सकते। और शेयर्ड ईमेल का क्या फ़ायदा है कि शेयर्ड ईमेल आपके मेल बॉक्स में तो आ ही जाता है और आप उसका यूज़ करके किसी को मेल भी सेंड कर सकते हो, उस पर्टिकुलर किसी को मल्टीपल पीपल को सेंड कर सकते हो, और मल्टीपल पीपल अगर उसमें ऐड है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट मोटा मोटा ये पकड़ लो कि पावर ऑटोमेट पावर ऐप में अगर आपको कम्युनिकेशन सेंड करना है पर्टिकुलर ग्रुप से तो वो नहीं सेंड कर सकते हो, ईमेल ग्रुप से, शेयर्ड मेल से, तो इसलिए हमको शेयर्ड मेल क्रिएट करना पड़ता है। तो चलो ये देखो, ये अपना हो गया, द न्यू आइटम हैज़ बीन क्रिएटेड ID2 एंड क्रिएटेड बाय स्वप्निल क्विटे। तो ये अपना फ्लो जो है, इसको मैं अगर रिफ्रेश कर दूँ, यहाँ पे लिखे आएगा कि हिस्ट्री, सॉरी सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि अभी फिर से आप कंफ्यूज हो गए होगे कि ये क्या बोल रहा है, शेयर्ड ईमेल बात तो सेम ही कर रहा है, तो चलो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इसको एडिट करते, इसी फ्लो को एडिट करते हैं, राइट। और मेरे पास पहले से ही मैंने ये ग्रुप ईमेल का तो वही है, सेम है भाई, ये सब न्यू ग्रुप पे क्लिक करो, नाम देना पड़ता है और पीपल को ऐड करो तो ग्रुप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये टेक्निकल नॉलेज जो है इसका, आई थिंक मेरे को ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, टेक बीटा सेवन है, ठीक है। इसको ईमेल को, ये ग्रुप ईमेल है, ये कॉपी कर लिया मैंने अब, ठीक है। अब ये मेरा जो है, जो मैं वही बता रहा था, फ्रॉम सेंड एज, इसको कर दिया Ctrl+V, ओके। अब अगर मैं इसको सेव कर दूँ ना, अब यहाँ से मेरे ऑन बिहाफ ऑफ इससे जाना चाहिए, ठीक है, टेक बीटा सेवन। अभी जो करेंटली मेल आ रहे थे, अगर ये दिखा हुआ आपको इनबॉक्स में जाके, जो अभी लेटेस्ट जो आया है, फ्रॉम और टू में मेरा ही नाम होगा इसमें, देखते देखो ये जो नीचे का ओपन किया है ना, यहाँ पे देखो फ्रॉम कहाँ से आया था और कहाँ किसको गया था, मैंने ही मेरे को सेंड किया था तो मेरा नाम आ रहा था, बट यहाँ पे ग्रुप का ही मेल आना चाहिए था। बट अभी उसके लिए क्या करेंगे हम, सो हमने कर दिया था सेव, तो सेव कर दिया। अभी देखते हैं इसी को मॉडिफाइड करके, Test2 by Swapnil इसको ही कर देंगे, Test2 by Test2222 कर देंगे, इसको मैंने कर दिया सेव। अभी देखते ये प्रॉपरली रन होता है या नहीं, राइट। इसकी हिस्ट्री 5 मिनट पहले तो हमने कर लिया था एक, अभी इसमें मॉडिफाइड किया हमने, तो अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो ईमेल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं हम, शेयर्ड मेल नहीं, तो ये माइंड रखना, ये ध्यान में रखना। देखते हैं मेल आता है या नहीं, देखो फेल हुआ। फेल का रीज़न मैं बताता हूँ, मैंने खुद ट्राई करके देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके। यू कैन नॉट ऑथराइज टू सेंड एन ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ स्पेसिफाइड सेंडिंग अकाउंट, तो हम ऑथराइज नहीं है, हालांकि जो है वो मैंने ही क्रिएट किया था वो ग्रुप मेल बॉक्स, फिर भी ये एरर्स आ रहे हैं, इसका कनेक्शन फिक्स करना पड़ेगा। तो
इसका कनेक्शन जो है यहाँ से अगर वो भी देखूँगा मैं, ये देखो इनवैलिड कनेक्शन ये लिख के आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। ओके, और कोई सुपर यूज़र देख रहा है तो मुझे बता दो। इसीलिए अल्टरनेटिव है शेयर्ड मेल बॉक्स। तो शेयर मेल बॉक्स का कैसे होगा वो बता। तो ये जो है अपना फ्लो तो फेल हो चुका था, इस पर ये काम नहीं करेगा, राइट, शेयर एन ई मेल। अब आप बोल रहे होगी कि बेसिकली शेयर्ड मेल बॉक्स के लिए, सॉरी, जो शेयर्ड मेल क्रिएट करने वाले थे उसके लिए तो ये ट्रिगर के नीचे का अलग रहता है, तो वो भी ट्राई करके देखते हैं हम ग्रुप ईमेल के थ्रू। सेंड ईमेल ये फ्रॉम शेयर्ड मेल बॉक्स, ठीक है। अब मैं वही कर रहा हूँ, सेम ओरिजिनल मेल बॉक्स तो ये जो ग्रुप का था वो ऐड कर दिया, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ स्क्विटी स्वप्निल, जैसे हाई डाल देंगे ओनली, और यहाँ पे भी मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ वर्क होता है ग्रुप ईमेल का, जो ग्रुप ईमेल और शेयर्ड ईमेल वर्क होता है कहाँ नहीं होता है, राइट। तो ये भी सेव हो गया है। अब फिर से मैं स्वप्निल के जो है फर्स्ट लाइन आइटम उसको मॉडिफाइड करता हूँ, स्वप्निल यहाँ को कर देता हूँ टेस्ट वन बाय स्वैप, सेव कर लिया। अब ये भी फेल होगा, हमने ट्रिगर तो चेंज कर लिया बट और सेम ग्रुप में जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था वही ऐड किया इसमें, तो माय फ्लोज में ये फिर से फेल होगा 100%। ओके, थर्ड टाइम भी फेल हो गया है ये, क्यों? बिकॉज वही अगेन सेम एरर, यू कैन नॉट सेंड दिस ग्रुप ईमेल इज यूज इन नॉन ग्रुप यू आर आई एंड दिस समथिंग। ओके, इसी का भाई अपने पास एक ही सॉल्यूशन है, मुझे तो एक ही सॉल्यूशन पता है, अगर आपको इससे अच्छा बेटर पता होगा तो ऑलवेज वेलकम, हम वो भी ट्राई करेंगे इम्प्लीमेंट करने का। तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, अभी शेयर्ड ईमेल क्रिएट करना पड़ता है। तो शेयर्ड ईमेल क्रिएट करने की प्रोसेस जो है वो मैं अभी बताता हूँ। ओके, तो आपको जाना पड़ता है 365 एडमिन, ये एडमिन सेंटर, एडमिन सेंटर पर क्लिक करोगे तो एडमिन सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन मेरे जो है यूज़र्स वो आ रहे हैं अभी, ठीक है। अपडेट हो अगेन, वो मेरा शेयर्ड मेल बॉक्स है तो वो मैंने पहले क्रिएट करके रखा है, तो मैं बताता हूँ अभी और एक क्रिएट करके, राइट। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, राइट, 365 एडमिन सेंटर और क्रिएशन ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स, यहाँ पे ये मेन्यू पे क्लिक करना है आपको, टीम्स एंड ग्रुप, यहाँ पे शेयर्ड मेल बॉक्स। शेयर्ड मेल बॉक्स में मेरे पास पहले से ये क्रिएट है। ओके, तो यहाँ पे हम और एक क्रिएट करते हैं टीकेबी नोटिफाई करके, टीकेबी नोटिफाई। अब मेरे वर्डिंग पे मत जाओ, जो अभी मेरे माइंड में आ रहा है वो कर रहा हूँ, टीकेबी नोटिफाई, तो ये अवेलेबल है और इसको कर देते हैं सेव। योर शेयर्ड मेल बॉक्स वॉज क्रिएटेड, एड मेंबर्स टू योर शेयर्ड मेल बॉक्स। तो अभी मेरी जो ये 365 साइट है इसमें सिर्फ दो ही है, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, एक तो मैं खुद हूँ। ओके, तो आपको मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आपके पास एडमिन एक्सेस नहीं रहता है, राइट, तो आपको रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी एडमिन को कि एक शेयर मेल बॉक्स क्रिएट कर लो और मुझे ऑनर बना दो, तो वो क्रिएट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मेंबर्स में है स्वप्निल और पुष्पक, ठीक है। सो अभी टीके भी नोटिफाई हो गया है और इसका जो ईमेल है वो मैंने कॉपी कर लिया है, राइट। अब क्या करेंगे, वही है, अभी सेम है, कुछ भी नहीं है, अभी ज़्यादा प्रोसेस नहीं है।
एडिट करेंगे और ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए अभी ये ओरिजिनल मेल बॉक्स है ना, तो यहाँ पे टीके भी नोटिफाई आ गया है और ये सेंड हो रहा है स्वप्निल कुटे को, राइट। तो ये ग्रुप से जा रहा है अभी, शेयर्ड मेल बॉक्स के ग्रुप से, और ये कर रहा हूँ मैं सेव। अभी हाई हाई डाला है, तो जैसे मैंने पहले बताया उसमें क्रिएटेड बाय किसने, आईडी क्या है, ये सब कुछ तो हम डाल सकते हैं। सेव कर दिया है, अब देखते हैं टेस्ट करके इसी को कर लेगा। इसको एडिट कर देता हूँ, टेस्ट फॉर शेयर्ड मेल बॉक्स, तो ये इसको मैंने मॉडिफाइड कर दिया है। ओके और अभी क्या करेंगे, इसको माई फ्लोज में जाके आपको यहाँ पे रन हिस्ट्री करेंगे, और यहाँ पे भी तो वैसे आ ही जाएगा, और बाकी भी मैं देख लेता हूँ मैं क्या है। टेन सेकंड एगो, अब ये क्यों फेल हुआ, यू आर नॉट ऑथराइज टू सेंड ई मेल ऑन बिहाफ ऑफ दिस, बट मैं तो उसमें हूँ भाई। रिसबमिट, यू आर नॉट ऑथराइज, चलो देख ही लेते हैं ना मैं भाई क्या नहीं है भाई। इसको क्या किया था वो देखता हूँ, एडिट इसमें कौन कौन था, मेंबर्स तो मैं दोनों ही हूँ, रीड मैनेज परमिशंस, ओके। तो ये परमिशन जो है ना, रीड एंड मैनेज परमिशंस, इसमें था सेंड परमिशंस, ओके 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 ओके, मैं समझ गया हूँ उसमें मैंने क्या किया था। इसको नोटिफाई करेंगे, ओके आप यहाँ पे परमिशन देनी पड़ेगी अपने को कि रीड एंड मैनेज परमिशंस। अरे रे, परमिशन देना पड़ेगा भाई, परमिशंस सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशंस, इसमें है और दोनों को भी ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन देना पड़ता है। सेव, तो अभी देखते हैं, सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन दे दिया हमने, और सेंड एज परमिशन में अभी ये हो गया, ठीक है। चलो वो गलत, ये क्या है, माय फ्लोज, ओके इसको मॉडिफाई करके रिसबमिट करके देखते, लेट्स सी। देखो सक्सेसफुल हो गया बिकॉज हमने परमिशन दिया है उसको, तो चलो देखते हैं क्या आया है अपने पास। ये देखो टीके भी नोटिफाई से मेरे को आया है, यस। क्यों आया, बिकॉज हमने शेयर्ड मेल बॉक्स वगैरह सब तो क्रिएट कर लिया था, बट यहाँ पे परमिशंस नहीं दी थी, परमिशन में यहाँ पे जाना देना पड़ता है, सेंड एज अ परमिशन और सेंड ऑन बी ऑफ परमिशन। ऑन बी ऑफ परमिशन मीन्स जो एरर्स आ रहे थे तो अपने को ऑथराइज नहीं थे, तो यहाँ से हमको ऑथराइज करना पड़ता है, तो मीन्स परमिशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स है वो आप यहाँ पे ऐड कर दो इस सेक्शन में, एंड देन आपका फ्लो रन होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो शेड मेल बॉक्स की फंक्शनलिटी अचीव। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।